नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से प्रतिबंध, सुखान मछली की कालाबाजारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से प्रतिबंधित सुखान मछली की कालाबाजारी की जा रही है। बता दें कि किसी भी तालाब या डैम से सुखान यानी कि छोटी मछली निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी रायसेन जिले के सबसे बड़े बारना डैम से इसकी कालाबाजारी नहीं रुक रही। बारना डैम में मत्स्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से छोटी मछली सेंतुरी क्षेत्र से निकाली जा रही है और मत्स्य विभाग आंख बंद करके चल रही इस कालाबाजारी को सिर्फ देख रहा है। यूं तो बारना डैम रायसेन जिले का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है और लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले इस डैम का मछली निकालने का ठेका कई करोड़ों में जाता है। और इस बार भी इस डैम को मुंबई की हुल्लड़ मुरादाबादी फर्म ने लिया और इस फर्म ने पेटी ठेके पर बारना डैम को बाड़ी तहसील के भाजपा के मंडल अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव उर्फ डब्बू को दे दिया है। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। आपने शिकायत किया था कुछ दिन पहले और शिकायत की जांच के लिए हमने वहां पर पदस्थ अपने स्टाफ को निर्देशित किया था। उन्होंने जाकर के उसी दिन चारों तरफ घूमा था और ऐसा बताया था कि ऐसी संभावना है कि वहाँ जो फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया है, लगभग 1700 हेक्टेयर का रिजर्व एरिया है उस डैम के अंदर, उसमें शायद कुछ गतिविधियाँ संचालित हो रही थी। और फॉरेस्ट के स्टाफ के साथ हमारे आदमी ने उसमें जांच किया, जा करके पूरा घूम करके देखा, फिर हमको ऐसा बताया कि कोई ऐसी गतिविधियां उसके सामने नहीं आई हैं। सर, ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि मत्स्य विभाग के मिली भगत से ये सुखान मछली का खेला जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें इन्वॉल्व होने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि जो रिजर्व एरिया है लगभग हमारा आधे से थोड़ा कम है उसमें, जो आपका फॉरेस्ट का, उस एरिए में अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं और उसकी जांच के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक यहाँ की टीम जा करके और देखें। मैं अतिशीघ्र जो है एक टीम उस काम के लिए भेजूंगा मैं। सर, अभी भी आपकी पार्टी के द्वारा सर्च करने के बाद भी अगर वहाँ सुखान मछली अभी फिर निकाली जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने अभी आज ही वहाँ के अनुबंध ग्रहिता से भी बात किया है, वहाँ के अपने स्टाफ से भी बात किया है, वो लोग फिर से जा करके उस घूम करके देखेंगे और एक से दो दिन के अंदर ही हमारे दूसरे जो डैम का स्टाफ है उनकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ ताकि वो ठीक से जांच करें और अगर हो रहा होगा किसी भी एरिया में तो उसको निश्चित रूप से दो तीन दिन के अंदर उस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। इस तरह के लोग आते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो भी कई बार इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, खिलवा देते हैं, तो इन चीज़ों को जैसी शिकायत मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी आपकी टीम को बड़ी मात्रा में सुखान मछली होने की जानकारी दी गई थी, उसके बाद भी मिली भगत से हटवा दी गई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसकी तो जानकारी हमको नहीं है। हमारे स्टाफ ने कहा कि वो जब घूमने गए थे, देखने गए थे, तो उनको ऐसी कोई गतिविधियां या ऐसी मछली नहीं दिखाई थी, जैसा हमारे स्टाफ ने बताया, वो हमने आपके साथ भी शेयर किया उस चीज़ को। सर, अगर आगे जानकारी दी जाएगी तो क्या कार्रवाई की जाएगी? 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इस तरह गतिविधियों को बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा।